ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। जी हाँ, आज है अष्टमी और अष्टमी महागौरी की पूजा की जाती है, तो आप लोग भी किए होंगे। बहुत लोग फास्ट करते हैं, तो मैं दो दिन के करती हूँ, पहला पूजा और अष्टमी करती हूँ। तो आज मेरा फास्ट है, तो देख सकते हो मैं जोड़ा मांग टिकी हूँ और रेड साड़ी वेयर की हूँ। देख सकते हो, आप अक्सर कहते होंगे कि मैं रेड साड़ी वेयर करती हूँ, अच्छा लगता है पूजा पाठ में रेड साड़ी। और ये बहुत ही लाइट वेटेड है, और आपको पता है कि मेरा छोटा सा बेबी है, तो मुझे घर के भी काम करने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं सोची भारी भरकम क्या पहनूंगी, जो तो इसीलिए मैं ये की हूँ। और आज जो भी हो सके मैं मंदिर जाऊँगी, तो मंदिर का भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिलहाल अभी तो मैं छत पर हूँ, और ये मेरा कराकट वाला रूम है, तो देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप लोगों को अजीब दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, इसे माइंड मत कीजिएगा। और चलिए अब पूजा रूम चलते हैं, पूजा रूम में दिखाती हूँ। पूजा फाइनली मेरा हो चुका है, और अभी सुबह के 8 बज रहे होंगे। तो हैप्पी अष्टमी। और माता रानी का जो पट है वो खुल चुका है, श्रृंगार माता रानी का हो चुका है, तो मैं भी श्रृंगार कर ली। और आप लोगों को बता दूं, मैं इस बार वीडियो क्यों नहीं, ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि कहते हैं कि जब तक माँ का श्रृंगार नहीं होता तब तक कोई नहीं करता है, तो मैं बाल तक भी नहीं झाड़ती थी, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आज फाइनली मैं बाल धो ली हूँ, मेकअप सेकअप कर ली हूँ, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग कौन कौन ऐसे नियम का पालन करते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जो है वो श्रृंगार कर रही हैं। जी हाँ, माँ दुर्गा का श्रृंगार कर रही है, और ये जो है सप्तमी के शाम का है। जी हाँ, सप्तमी के शाम को मम्मी जो पट खुल जाता है, तो मम्मी उसके बाद दुर्गा माँ का श्रृंगार कर रही है। तो मैं वहाँ पे थी, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो माता रानी को मम्मी जोड़ा मांग टेक दी हैं, कितना भव्य लग रही हैं, और श्रृंगार का सामान भी मम्मी चढ़ा दिए हैं। तो धीरे धीरे देखिए मम्मी यहाँ पर नींबू, जी हाँ काल रात्रि की सप्तमी को पूजा होता है, तो नींबू की माला चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो मम्मी नींबू की माला चढ़ाई, और यहाँ पर देख सकते हो मम्मी जो है वो पूरी तरह से पूजा कर ली है काल रात्रि की, और श्रृंगार भी मैया जी का हो गया है। और यहाँ देख सकते हो, क्योंकि तिथि का हेरफेर था, जान ही सकते हैं, तो अभी तो मेरे फेस पे स्माइल देख सकते हो, शाम होते होते देखना कि मैं कैसे मुरझा जाऊंगी, या कि माता रानी का कृपा है तो मैं ऐसे ही आप लोग के साथ रहूंगी। देख सकते हो आप लोग, आज है महागौरी की पूजा, तो आप लोग भी महागौरी को खुश कीजिए, अच्छे से पूजा कीजिए। और महागौरी के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन में अपना लिंक लगा दूंगी उस वीडियो का। जी हाँ, महागौरी का जो वीडियो है उसका लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड में जो है वो छत का है, छत पे हूँ मैं, तो अपने गार्डन का हल्का फुल्का आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो कुंज आ गया, बड़ा बदमाशी कर रहा था, इधर से उधर कर रहा था, इसकी नटखट बदमाशी ना रिकॉर्ड करने में अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ शेयर करने में भी अच्छा लगता है। देख सकते हो कुंज को, अब इस पर वो चढ़ जाएगा, कभी इधर कभी उधर कर रहा था, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये सुबह का है, सुबह 8 बजे से पहले का है। यहाँ पर छत पर देख सकते हो गार्डन भी लगा हुआ, तो पेड़ को कैसे वो टच कर रहा है, फिर भाग जाएगा, तो यही इसकी चलती रहती है नटखट सी बदमाशी। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कुंज की बदमाशी आप लोगों को कैसा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो कैसे वो मेरे मुंह को नोच रहा है, मुंह को नहीं, एक्चुअली बच्चे जो आजकल होते हैं ना वो बिंदी सर से हटा देते हैं, तो वही बिंदी हटा दिए है वो। कबार लिया। पे देख सकते हो अष्टमी है, तो हम लोग पाँव भर रहे हैं। जी हाँ, मैया जी का श्रृंगार हो जाता है, उसके बाद करना रहता है, तो पूजा करके मैं आई, मंदिर जाने से पहले मैं अपना पैर रंगी हूँ, और यहाँ पे फाइनली देख सकते हो मेरा पैर जो है वो रंगा गया है। और मम्मी जा रहे हैं कोई छबर नहीं, मंदिर जा रहे हैं। हैप्पी नवरात्र बोल दीजिए मम्मी। हैप्पी नवरात्र। और मम्मी मेकअप नहीं की हैं, क्योंकि वो फास्ट की हुई हैं, तो वो कल से करेंगी या शाम से करेंगी। हम लोग आ गए हैं मंदिर। जी हाँ, देख सकते हो यहाँ हम लोग मंदिर आ गए, तो मंदिर का मैं व्यू आप लोगों के लिए
रिकॉर्ड कर ली भीड़। यहाँ पे माता रानी को आप लोग प्रणाम कर लीजिए। भीड़ बहुत थी तो हम लोग को बैठना भी पड़ा था, तो हम लोग वेट किए थे यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हो फिलहाल जो है कि वो मैं भी अपने कैमरे में आ गई हूँ, देख सकते हो। और मेरा इयररिंग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आना था तो यहाँ बैठने की व्यवस्था थी, फिर हम लोग बैठे थे। उसके बाद फिर हम नंबर आया था पूजा का, तो फिर हम लोग पूजा करने चले गए। यहाँ भगवती का देख सकते हो, हम लोग मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। तो ये भगवती का मैं ली हूँ, माँ दुर्गा का। और यहाँ भी देख सकते हो ये जो रंगोली है चावल का, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हो मैं और मम्मी पूजा कर ली हैं, अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो है साइड में सब अपना पूजा का सामान, फुलडाली नवेद जो भी है चढ़ाते हैं, रखते हैं। और यहाँ पे मम्मी जो है वो खोइचा ले रही हैं। जी हाँ, खोइचा प्रसाद लिया जाता है, तो सुहागिन जो स्त्री होती है वो खोइचा में लेती है। यहाँ पे देख सकते हो मुझे भी मिल रहा है प्रसाद खोइचा में। और यहाँ पर फिलहाल देख सकते हो हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो ये है कन्या पूजन। जी हाँ, मेरे मायके में आज ही कन्या पूजन हुआ है। और आज जो कन्या पूजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज शिव और शक्ति का मिलन है, आज सोमवार है, तो आज का कन्या पूजन बहुत ही अच्छा है। कल भी बहुत लोग करेंगे, जिनके यहाँ जो हवन करते हैं, कलशा बैठाते हैं, वो कल करेंगे। और बहुत जगह अष्टमी नवमी दोनों जगह दोनों दिन होता है, तो यहाँ पर मेरे मायके में आज हुआ है। तो ये संकेत, ये भी बहुत अच्छा दिन है, तो इसीलिए यहाँ पर मम्मी की हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो हैप्पी नवरात्र, और आज अष्टमी है, आप लोगों को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ महागौरी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। और कुछ अगर रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा, तो मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। अष्टमी का फास्ट है, पूजा करके आ चुकी हूँ, और अभी मैं किचन में हूँ, इसमें चावल चढ़ाई हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं भुजिया बना रही हूँ, और ये है, ये चोखा के लिए आलू बॉइल की है। और फिलहाल मेरा दाल जो है वो बन चुका है। तो फास्टिंग में भी खाना बनाना पड़ता है, आप लोग को भी बनाना पड़ता होगा, क्योंकि फैमिली में हो तो बनाना तो पड़ेगा ही, कोई बात नहीं। ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे मंदिर गई, कैसे पूजा की घर पे, और कैसे मैं आके फास्टिंग में घर पे खाना भी बनाई। और आज है माँ महागौरी की पूजा है, लोग रात में निशा पूजा भी करते हैं, बहुत जगह होता है, आप लोग के यहाँ भी हुआ होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। और कल के ब्लॉग में, जी हाँ कल के ब्लॉग में आप लोगों को हवन दिखाऊंगी, और कन्या पूजन हमारे घर में कैसे होता है वो भी दिखाऊंगी। और अगर आप मेरा प्रीवियस का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, मेरे उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल कन्या पूजन ब्लॉग। और कल जो है वो है पूजा, जो है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा किया जाता है। तो कोई भी सिद्धि को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी कार्य को करवाना चाहते हैं, तो कल सिद्धिदात्री की पूजा आप लोग अच्छे से करें। और परसों है विजयदशमी, तो विजयदशमी के दिन का भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जी हाँ, पारण कब है ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी फ़िलहाल देख सकते हो बारिश हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो बारिश हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस बार जो माता रानी है वो हाथी पे चढ़ के आई थी, और हाथी पे चढ़ के ही जाएंगी, तो हाथी पे जब जाती हैं तो बारिश खूब होता है। बताइएगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद जी।